टोंक शहर में बेकाबू होता कोरोना वायरस संक्रमण, आज एक बार फिर से 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर अब टोंक के अंदर 58 हो चली है। सभी पॉजिटिव मरीज बम्बोर गेट क्षेत्र के निवासी हैं। सादत अस्पताल के पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है, यानी कि जयपुर के रामगंज के बाद टोंक का बम्बोर गेट इलाका, जहां कोरोना पॉजिटिव केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, टोंक शहर के अंदर अब इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 11 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जिस तरीके से जयपुर के अंदर रामगंज और रामगंज में घर घर जाकर सैंपलिंग की गई, क्या वो अब बम्बोर गेट इलाके के अंदर की जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो आंकड़ा जयपुर के रामगंज का है वही आंकड़ा टोंक के बम्बोर गेट का होगा। देखिएगा विजेंद्र, चूंकि बम्बोर गेट का मामला नहीं, टोंक के अंदर ऐसे 5 सेंटर हो चुके हैं जहां पे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी। चूंकि एक नया सेंटर बना था जो बम्बोर गेट इलाका है, वहां पे जब एक व्यक्ति की सैंपलिंग ली जाती है तो कोरोना पॉजिटिव निकलता है, उसके बाद उसके परिवार वालों के जो सैंपल लिए जाते हैं वो भी पॉजिटिव निकलते हैं, और फिर पड़ोसियों के लिए जाते हैं वो भी पॉजिटिव निकलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े रूप के अंदर ये फैल चुका है। कल जिस तरह से 20 सामने पॉजिटिव केस आए थे, उसके बाद आज 11 पॉजिटिव केस आते हैं, तो कुल मिला के 31 पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे के अंदर सामने आ चुके हैं। और कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो अभी तक पेंडिंग चल रही हैं, क्योंकि साफ तौर पे जिला कलेक्टर का भी यही कहना था कि जो रिपोर्टें यहाँ से जयपुर भेजी जा रही हैं उन को मिलने के अंदर देरी हो रही है, देरी की वजह से, और यही वापिस सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है कि टोंक के अंदर अब तक जो जांच रिपोर्ट होना थी, जो सैंपल भेजने की जो थी उनकी लेने की, अब तक उसकी गति धीमी है। अगर उसको बढ़ाना जरूरी है इस संक्रमण को रोकना है तो, क्योंकि बिल्कुल जियाउद्दीन शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में सैंपल बढ़ाने होंगे और उस बात पर भी ध्यान देना होगा जिसके बारे में कहा गया था कि जिला स्तर पर सैंपल लेने और टेस्ट करने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अगर बाकी जिलों से जयपुर सैंपल आएंगे तो फिर डिले होगा और जयपुर के अंदर वाकई में ही अपने आप काफी ज्यादा पॉजिटिव केस और सैंपलिंग हो रही है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर।